नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास में आप सबको कोचू बनाना बताएंगे। यह कोचू 5 साल के बच्चे के नाप का है। इसके लिए हमने लिया है बेबी पिंक कलर का 1 पाउंडून, 50 ग्राम ब्लैक कलर का एवं 4 mm की सलाई। इस कोचू में सिंपल डिजाइन डालेंगे, यह 7 फंदे से बनेगा। तो सबसे पहले हमें 11 फंदे डालना है 4 mm की सलाई में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें तथा नीचे बने बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद। देखिए, हमने 11 फंदे डाल लिए हैं। आप सबको इसकी डिजाइन समझना है। इसकी डिजाइन बनाने में एकदम इजी है। देखिए, इस प्रकार पहले 2 फंदे बुन लेंगे, उसके बाद ऊन सामने रख के जाली बनाएंगे। एक जाली हमारी ऊन सामने रख के बन गई। अब 2 फंदे फिर बुन लिए और 3 का 1 करेंगे, जिससे हमारी डिजाइन बनते जाएगी। हमें 3 का 1 करना है। एकदम सिंपल डिजाइन है। अब फिर 2 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। इसके बाद जाली बनाने के लिए फिर ऊन सामने रख के 2 फंदे फिर बुनेंगे, जिससे जाली बनते जाएगी और हर सलाई पे फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए, पिछली सलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। पूरा पोचू बनते तक हमारी पिछली सलाई उल्टी ही बनते जाएगी। अब जब सामने आएंगे तो जहाँ पे हमने 3 का 1 किया है, वहीं पे फिर 3 का 1 करेंगे। ऐसा 3 बार करना है। 3 बार करने पे हमारी एक डिजाइन बन जाएगी। देखिए, अब फिर जाली जो बना है, उसके बाद जस्ट फिर उन सामने रख के फिर जाली बना देंगे। अब हमें सिर्फ 1 फंदे बुनने हैं जो डिजाइन वाले फंदे से, और फिर 3 का 1 करेंगे। ये देखिए, हमने 3 का 1 करके फिर 1 फंदे बुन लिए। अब फिर जाली के लिए उन सामने रखेंगे। इसी प्रकार हमारा अब दोनों बाजू में जो फंदे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें डिजाइन शुरू होगी। एक डिजाइन बनने के बाद देखिए, पिछली सलाई पूरी उल्टी। इसी प्रकार हमारा पोचू बढ़ते भी जाएगा और डिजाइन भी बढ़ते जाएंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो फिर 3 का 1 करेंगे, हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब आएंगे तो यहाँ पे एक डिजाइन शुरू होगी और यहाँ पे, इसी प्रकार डिजाइन भी बढ़ते जाएंगे और फंदे भी बढ़ते जाएंगे। देखिए, हमारा यह डिजाइन अब बन चुका है। अब इसके दोनों आजू बाजू में 2 डिजाइन उठाएंगे। इसी प्रकार यह पोचू बढ़ते जाएगा। सबसे पहले 1 फंदे के बाद फिर जाली लेंगे। हमारी दूसरी लाइन डिजाइन बन रही है। 2 फंदे बुन लिए। अब जैसे 7 फंदे का डिजाइन है, हमें 3 का 1 करना है। इसके बाद फिर 2 फंदे फिर उन सामने रख के जाली बनाएंगे, ताकि घटे हुए फंदे बराबर हो जाएं। फिर डिजाइन वाली 1 फंदे के दोनों तरफ जाली पड़ेगी। अब हमारा फिर 2 फंदे बुन लिए, फिर 3 का 1 करेंगे, ताकि हमारी दूसरी डिजाइन बन सके। फिर 2 फंदे पोचू में हर बार डिजाइन, हर लाइन में लास्ट में 1 फंदे बढ़ाते जाना है, तभी यह
यहाँ और यहाँ लास्ट में एक एक फंदे बढ़ते जाएंगे तभी यह पोचू का आकार लेगा। पिछली सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, सिर्फ सामने में डिजाइन तीन का एक तीन बार करेंगे जो सात फंदे से एक फंदे हो जाएगा, फिर उसके आजू बाजू से फिर डिजाइन उठाएंगे। पिछली सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, ये देखिए जो जाली बढ़ाए थे वह बढ़कर फंदा बन गया, ताकि यह पोचू का तिरछा आकार बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार यह ऐसे तिरछे आकार में बढ़ते जाएगा। देखिए हमारी ये दोनों डिजाइन इस लाइन में पूरा हो जाएगा, तीन का एक करेंगे, फिर अब हम तीन डिजाइन हमारी उठेगी। ऊन सामने रख के जाली बनाएंगे और तीन कई करेंगे। एक डिजाइन पूरी हो गई और हमारी जाली भी बन गई जिससे फंदे बढ़ गए। जब भी तीन कई करेंगे तो दोनों तरफ जाली बनना चाहिए जिससे फंदे बढ़ते रहें। यहाँ पे फिर जाली आएगी और यह तीन का एक हमारा एक लाइन अभी एक डिजाइन पूरी हो गई। ऊन सामने रखें, पिछली सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। यहाँ पे कॉर्नर में एक फंदे बढ़ा देंगे ताकि हमारा पोचू बढ़ता रहे। एक फंदे बढ़ाने के लिए उसी फंदे पे दो फंदे ले लिए। ये लाइन पूरी उल्टी बनेगी और हमारा पोचू बढ़ते रहेगा और हर बार डिजाइन पूरी होने पे एक डिजाइन बढ़ते जाएगी, दोनों तरफ से एक एक डिजाइन बढ़ते जाएगा। देखिए हमारा ये सामने पल्ला बन चुका है, ये पूरा 167 फंदे हो गए हैं। हमेशा जहाँ से स्टार्ट किए हैं पूरा हमें हर पिछली सिलाई में दोनों तरफ एक एक फंदे बढ़ाते गए, हर पिछली सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। अब जब हमारा फंदा बढ़ चुका है तो हमने सेम नाप का बड़ा सिलाई लिया है, अब बड़ी सिलाई से बुनाई करेंगे। ये उसी नाप का है। अब हमको जैसे ये 167 फंदे हैं तो सबसे पहले 75 फंदे की बुनाई कर लेंगे। अब हमारा गले का घटाई शुरू करना है। गले की घटाई के लिए हम फंदे दो भाग में बांट लेंगे, 75 इधर 75 इधर और बीच का 17 फंदा एक ही बार में घटाएंगे। देखिए अब हम इस पोंचू का गले की घटाई करेंगे। पूरा हमारा टोटल फंदा बढ़ के 167 हो चुका है। यहाँ पे एक ही बार में हमें 17 फंदे बीच का घटा देना है। इधर 75 इधर 75 रहेगा, दो भाग में बढ़ जाएगा एक ही बार में एक एक करके हमें। अब यहाँ डिजाइन नहीं बनाने, हमें सीधा सिंपल फंदे घटाने हैं और गिनते जाना है कि यह 17 फंदा घट चुका है। ये हमारा हुआ एक और ये दो, इस प्रकार 17 गिन के घटा लेने हैं।
इस प्रकार हमें यहाँ तक 17 घटाने हैं। उसके बाद दो भाग में अलग अलग बुनाई होगी। हर बार जब गले के पास पहुंचेंगे तो सिर्फ हमें एक फंदे घटाते जाना है, जितनी हमको लंबाई चाहिए दोनों तरफ का, इधर से भी एक फंदा इधर से घटाते जाना है, जितना हमको इस पोंचू की लंबाई चाहिए वहां तक। देखिए आप लोग, ये हमारा पोंचू का सामने पल्ला बन चुका है। गले की घटाई हमने इधर से हर बार जब ऐसे जाएं तो एक फंदे घट जाएंगे, और पिछली सिलाई से जब ऐसे आएंगे तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा। यहाँ एक फंदा बढ़ाने से तिरछी आकार बढ़ती रहेगी और यहाँ घटाने से गले का आकार बनेगा। देखिए हमने और पीछे पल्ला में भी गले का आकार दे सकते हैं। देखिए हमने ऐसा घटाया यहाँ पे एक फंदा, ये गले के आकार के लिए। डिजाइन आपको देखना है, हर बार 7 फंदे की डिजाइन है, 3 का एक करते जाना, एक सामने लिए ताकि 3 का एक जो हो रहा है वह बढ़ जाए। और यहाँ पे डिजाइन में 3 का एक किए, फिर उन सामने लिए और इस तरह जो घटा हुआ फंदा है वह बढ़ जाएगा। इसी प्रकार पूरी सिलाई बनेगी। देखिए 7 फंदे वाली डिजाइन है, ऊन सामने रखते हैं और 3 का एक करते हैं डिजाइन को। डिजाइन दाएं बाएं बदलते रहेगा, फिर सामने किए, बढ़ते हुए फंदे में फंदे बढ़ गए। इसी प्रकार पूरी सिलाई करेंगे। जब पीछे आएंगे तो हमारा एक फंदा कॉर्नर पे बढ़ाते जाना है हर सिलाई में। ये देखिए आप लोग, इस कॉर्नर पे हर बार हर लाइन में एक फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए हमारा कॉर्नर पे एक फंदा बढ़ गया, गले की तरफ एक फंदे घटाते जाएंगे, इधर एक फंदा बढ़ते जाएगा। देखिए आप लोग, यहाँ से हमने गले की घटाई शुरू की है। हर बार जब सामने आए तो एक फंदे घटा देने ताकि गले का आकार बनता जाए, और कॉर्नर पे जब आए तो हर बार पिछली सिलाई में एक फंदे बढ़ा देने ताकि पोंचू का आकार बढ़ता जाएगा। पिछला पल्ला में गले की घटाई थोड़ा सा ही करना है हमें, ज्यादा इतना गला नहीं बनाना है, 8-10 लाइन ही गले की घटाई हम पिछले पल्ले में करेंगे। ये देखिए हमारे पोंचू की लंबाई पूरी बन गई। हमने यहाँ कंधे का पीछे पल्ला और सामने पल्ला मिला के कंधे की दोनों तरफ सिलाई कर ली है। अब गले को काले ऊन से गले का कंगूरे बनाएंगे। देखिए दोनों तरफ सिलाई, फंदे ऊपर बराबर है, जितने फंदे सामने रहेंगे उतने ही फंदे पीछे पल्ला का, तो हमने दोनों तरफ सिलाई कर लिए हैं। ये गले का ऐसे कंगूरे बनाएंगे। हमें गले का जब बनाएंगे तो थोड़ा कसा हुआ बनाएंगे ताकि गला ज्यादा फैला हुआ ना बने। गले के कंगूरे थोड़े कस कस के बनाएंगे ताकि गले का सही आकार आ सके। आप सब ऐसे ही बनाइए जैसे हम बना रहे, इसी प्रकार आप लोग भी बनाइए। गले का जब ऐसे 3 खंभे बनने के बाद थोड़े दूर में कसेंगे ताकि कड़ा गला थोड़ा कसा बने। इतने दूर पे लेंगे ऐसे।